नमस्कार दोस्तों, केदारनाथ सीरीज़ के थर्ड पार्ट पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो अपनी यात्रा स्टार्ट हो चुकी है बाबा केदारनाथ के लिए। गाड़ी पार्किंग में लगा कर हम सोन प्रयाग से निकल चुके हैं यात्रा के लिए, और अभी बज रहे दिन के एक। तो कितना टाइम लगेगा कोई आइडिया नहीं है। तो हमने अभी खाना नहीं खाया है, भूखे पेट ही हम यात्रा स्टार्ट कर रहे हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो आगे हम कुछ नाश्ता वगैरह कर लेंगे, अभी तक हमने खाना नहीं खाया है। खाना खाएंगे तो शायद हमें यात्रा में कुछ दिक्कत हो सकती है, जिस वजह से हम नाश्ता ही करेंगे। केदारनाथ धाम में सभी श्रद्धालुओं का स्वागत है। सही है भाई, स्वागत है अपना केदारनाथ धाम में। और पीछे देखिए पहाड़ी के ऊपर बहुत धुंध पड़ रही है। तो ये देखिए यार, नदी, नदी के ऊपर ब्रिज बना हुआ है, इसके ऊपर से हम गुजर रहे हैं। दोस्तों सोन प्रयाग से यहाँ पर गाड़ी मिलती है, टैक्सी मिलता है, जो 50 रुपये में अपने को छोड़ देगा। ये कहाँ छोड़ेगा भाई? गौरीकुंड। 50 रुपये में गौरीकुंड के लिए यहाँ से ये टैक्सी चलती है। तो भैया जा रहे हो? नहीं। हाँ तो ये देखिए यार, एक ही टैक्सी आई अभी और अभी पूरी खचाखच भर गई है। देखिए खिड़की भी बंद नहीं हो रहा है, इतना ज़बरदस्त भर चुका है। अब देखते हैं दूसरा टैक्सी आता तो हम उसके अंदर जाएंगे। अब गौरीकुंड तक के लिए हम इस जो पीछे गाड़ी खड़ी इसके अंदर बैठ गए शेयरिंग में, 50 रुपये पर पर्सन। लेकिन यार इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा ना, 1 घंटा हो गया हमें अभी बीच में ही खड़े, अभी तक पहुँचे नहीं। हालांकि 15 मिनट का रास्ता है, बट ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होने की वजह से फंसे हुए हैं यहाँ पर। देखिए बहुत आगे तक खड़ी है, और यहाँ से ये गाड़ी कम से कम 15 मिनट से खड़ी है अभी, और पता नहीं कितना टाइम लगेगा। तो यार ज़्यादा ट्रैफिक होने की वजह से हम पैदल ही निकल गए, अपना गाड़ी पीछे ही रह गया है, और अपने जो साथी थे वो भी आ चुके हैं, तो हम यहाँ से पैदल ही निकल रहे हैं। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है यार, कोई व्यवस्था ही नहीं है। रोड बहुत छोटा होने की वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। अभी देखिए कितना ट्रैफिक है, बहुत लंबी लाइन लगी हुई यार ट्रैफिक की। अब ये 6 महीने तक ऐसे ही रहेगा, ट्रैफिक क्लियर नहीं होगा। निकल जाए भैया इधर। तो भाई यार बहुत बहुत ज़्यादा, ओ भाई ओ ओ, जगह ही नहीं है यार, सिर्फ इन लोगों के लिए, इन कचर के लिए ही जगह है यहाँ पे, अपने इंसानों के लिए तो कोई जगह नहीं है। देखिए यार कोई भी किसी को भी टक्कर मार सकता है, इतना ज़्यादा मतलब पास में अड़ाके चल रहे। चलो मैं निकलता हूँ यहाँ से। ओ भाई यार सिस्टम नहीं है भाई यहाँ पे, कुछ भी सिस्टम नहीं है। खड़े करने का मतलब क्या, चले जाओ। देखो यहाँ तो कच्चर का कोई सिस्टम है। अभी बहुत लंबा सफ़र तय करना है अपने को। देखिए यहाँ पर चेतावनी बोर्ड लगा हुआ, आगे पत्थर गिरने का भय, कृपया देख कर एवं सही से चले, कच्चर बहुत है भाई। इनको सलूट है यार, देखिए कितना बोझ लेके जा रहे ऊपर, और साइड में ये कागज़ लगा के रखा ताकि इधर से कोई कच्चर आए तो उनको टक्कर नहीं मारे और क्रॉस नहीं आए इनके। कितना बोझ लेकर जा रहे हैं, तभी इनके प्राइस ऊपर जाके बहुत बढ़ जाता है भाई। तो एनर्जी ले रहे अभी यहाँ एनर्जी भाई लोगों, जन्नत दिखा रहा हूँ, देख लीजिए आप। एक सेल्फी पॉइंट है यहाँ हम खड़े हैं, क्या नज़ारे है यार। बरसात आ रही है, छांटे आ रहे हैं हल्के हल्के, और ये पहाड़ देखिए क्या सुंदर, बड़े ही खूबसूरत, ज़बरदस्त। तो यार चलते चलते थक गए हैं हम, लगभग 3-4 किलोमीटर चल चुके हैं अभी, और इस जगह पर रुक कर हमने ये चाय पिया है। अभी वापस यात्रा कंटिन्यू करते हैं यहाँ से, हमारे दो साथी आगे चले गए और हम यहाँ पर हैं। तो आज कैसे भी करके अपने को ऊपर तक पहुँचना ही होगा, बाकी नाइट रुकने का कुछ प्रोग्राम क्या है पता नहीं। सही टाइम भी 5 बज चुके हैं यार अभी दोस्तों। अभी देखिए हम कितना जल्दी आ गए यहाँ पे, दुकानें भी नहीं लगी अभी तक। दुकान ये देखिए, दुकान बन रही है, काम चल रहा है दुकान का, और मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे 1-2 दिन में दुकान बन जाएगी। ये देखिए भाई कितना रिस्क लेके लोग बना रहे हैं यहाँ पे। पहला शॉर्टकट ले रहे हैं आज का, जो कुछ ही दूरी को कम करेंगे अपनी। शॉर्टकट भाई रिस्क से बहुत। ओह ये देखिए यहाँ से चढ़ेंगे हम, ये रोड को थोड़ा सा कम करेगा अपने जो है।
उसकी दूरी को भाई। ओह बहुत थक गया यार, अभी तो आधा भी सफ़र अपना कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन ये नज़ारे अपने को थकने नहीं देते हैं। देखिए ये देखिए, इधर से झरना बह रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है भाई। और इधर से ये चढ़ाई यार, यहाँ से दो रास्ते जा रहे हैं, दोनों ऊपर जा रहे हैं, पता नहीं कौन सा सही वाला है कौन सा ख़राब। हम तो ऊपर वाले से जाने की कोशिश करेंगे। और देखिए यार नज़ारे कितने खूबसूरत है, ऊपर बर्फ़ पड़ा है लेकिन अभी मोबाइल के अंदर दिख नहीं रहा है, जिस वजह से मैं आपको आगे जाके बर्फ़ बताऊंगा। पूरा बर्फ़ का पहाड़ मेरे बिल्कुल सामने है दोस्तों। नदी का बहाव बहुत तेज़ हो गया यार, ऊपर से आ रही है ये सब छोटे छोटे झरने बनकर ये नदी बन रही है। नाम कह रही नदी को मंदाग्नि नदी है दोस्तों, ये जो केदारनाथ से रवाना होती है। बहुत बढ़िया सीन है भाई। एक और खूबसूरत दृश्य देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा, यहाँ से भी झरना बह रहा है। ओहो जिधर देखो उधर आपको आगे नहीं बढ़ देने वाली चीज़ें देखने को मिलेगी भाइयों। नज़ारे तो इतने हैं कि जितने बताऊंगा ना उतने ही कम होंगे, इतने सारे नज़ारे देखने को मिल रहे हैं यार यहाँ पर, तगड़े तगड़े। इधर देखिए वापस पूरे बादल आ गए। तो यार फाइनली बर्फ़ के पहाड़ के ऊपर हम आ ही गए। ये देखिए रात हो गई, दिख नहीं रहा है, लेकिन ये देखिए भाई बर्फ़ पूरा जमा हुआ है भाई। ओहो ओहो बहुत ठंडा है, देखिए बर्फ़। है दोस्तों 10 तारीख हो गया आज, 10 तारीख सुबह मॉर्निंग, और मैं रात को कुछ ज़्यादा दिखा नहीं पाया, ताकि फ़ोन भी डिचार्ज हो रहा था और अंधेरा भी फट गया था, जिस वजह से हमने रात को यहीं पर ये कैंप लिया था रात को और यहीं रुक गए थे। अभी कैंप की हालत पूरी ख़राब होके रखी, हमारे 4 जनों के लिए था ये कैंप पूरा बुक करके रखा था हमने, 1500 रुपये लिए थे, कम ही लिए थे क्योंकि अभी स्टार्टिंग ही है, जिस वजह से बाकी और भी ज़्यादा लेते हैं। इस कैंप में रुके थे हम और अभी सुबह हो गया है तो अभी निकलते हैं। यहाँ से 4.5 किलोमीटर और है मंदिर, और एक बार मैं बाहर का नज़ारा दिखा देता हूँ आपको, बड़ा ही ज़बरदस्त नज़ारा, पूरा बर्फ़ का पहाड़ भैया, मैं भी इसका कर लिया ये देखिए इस साइड से बाहर का नज़ारा बड़ा ही खूबसूरत। और ये देखिए इधर एक बर्फीला पहाड़, और वो देखिए वो कितना ज़बरदस्त पहाड़ नज़र आ रहा है यार, यहाँ से पूरा बर्फ़ से ढका हुआ, उधर ही जाना है अपने को। और दोस्तों इस वीडियो को अपन यहीं ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सीधे दर्शन के लिए जाएंगे। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, जिस वजह से इसको यहीं ख़त्म करना पड़ रहा है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर।